आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आशाग्राम ट्रस्ट में कुष्ठ रोगियों के बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का किया निरीक्षण। वहीं कुष्ठ रोगियों से संवाद कर जानी उनकी परेशानी एवं जानी आशाग्राम ट्रस्ट एवं शिवकुंज में हुए कार्यों की गतिविधि। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह दिनहीन नहीं है, ये हमारे भाई है, इन्हें अच्छे मकानों के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, संबल योजना हो या अन्य योजना हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल भी उपस्थित थे। वहीं 33 प्रथम चरण में मकान बन रहे प्रधानमंत्री आवास के तहत, वही दूसरे चरण में भी 33 मकान बनेंगे। भाई और बहनों के बीच में आशाग्राम ट्रस्ट आके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। उनको रहने के लिए अच्छे आज की आवश्यकताओं को पूरे करने वाले मकान बनाए जा रहे हैं। उनके इलाज की यहाँ चिकित्सालय में व्यवस्था है। अभी 33 मकान बन रहे हैं पहले चरण में, 33 और दूसरे चरण में बनेंगे, तो सब अच्छे घरों में रहेंगे और उन घरों में सारी सुविधाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वो राशन हो, रसोई गैस हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई की योजना हो, संबल योजना हो, सबका लाभ दिया जाएगा। ये दीनहीन नहीं है, हमारे भाई बहन है और इनकी जिंदगी बेहतर चले इसमें कोई कसर नहीं छोड़े।